हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और यदि आप भी मैट्रिक और इंटर का विद्यार्थी है जो कि इस वर्ष आप लोग बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देंगे, फाइनल एग्ज़ाम देंगे, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिहार बोर्ड से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, जिस अपडेट को आप सभी के जानना काफ़ी ज़रूरी है। अपडेट क्या है कि बिहार बोर्ड की ओर से अपडेट ये निकल के आ रहा है कि जो आपका जो विद्यार्थी इंटर और मैट्रिक के हैं, जो 2022 में एग्ज़ाम देंगे, फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, तो उनका एडमिट कार्ड को जारी नहीं किए जाने की बात सामने आ रही है। मतलब कि जितने स्टूडेंट हैं उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कुछ गलती है, उस गलती की वजह से एडमिट कार्ड को जारी नहीं किए जाने की बात आ रही है सामने, अपडेट आ रहा है ये बिहार बोर्ड की ओर से। क्या कुछ अपडेट है पूरा इसके बारे में हम लोग जानेंगे, एडमिट कार्ड के क्यों आपका जारी नहीं होगा, आपका नहीं बल्कि कुछ विद्यार्थी हैं मैट्रिक इंटर का जिनका आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होने की बात आ रही है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में हम लोग। इसके बाद से हम ये भी जानेंगे कि इस वीडियो में कि आपका मॉडल पेपर जो होता है 10th और 12th दोनों का, बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी करता है, तो मॉडल पेपर जारी आपका कब तक जारी होगा, समय आपका चूँकि कम ही है, आप देख ही रहे हैं कि आपका 1 फरवरी से चालू होगा आपका इंटर का और आपका 17 फरवरी से चालू होगा मैट्रिक का, तो समय काफ़ी कम हो गया है। तो ऐसे में आप लोग सोच रहे होंगे कि जो आपका बिहार बोर्ड जारी करता है मॉडल सेट वो कब जारी होगा, तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको कि कब तक ये जारी होगा, ठीक है। इसके बाद से फाइनल एडमिट कार्ड आपका कब आएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं बहुत इसको अच्छा से, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और ऐसे ही बिहार बोर्ड से हर एक अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन लिखा होगा उसको दाब दीजिएगा, आराम से दबिएगा, ठीक है, और बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 मिनट समय लेंगे हम, 2 मिनट यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर कि 701 छात्र छात्राओं के परीक्षा में शामिल होने पर संशय है, 701 विद्यार्थी है, ये नंबर 701 है ना, ये 701 विद्यार्थी है, ये एक जिला की हम बात बोल रहे हैं, एक जिला की बात बोल रहे हैं, एक गोपालगंज जिला के है ये, ठीक है। ऐसे आपके बिहार भर में पूरा 38 जिले हैं, तो लगभग आपको 500 भी रेशियो लिया जाए तो आपका लगभग 20,000 के आसपास हो जाएंगे, तो हजारों छात्रों का यहाँ पे एडमिट कार्ड को जारी नहीं किए जाने की बात की जा रही है इसमें, और परीक्षा में से वंचित करने की बात की जा रही है। क्या मामला है इस जानेंगे हम, किसका गलती है, यदि आपका भी है ऐसा तो नहीं है कि आपका भी इसमें इसी में नाम हो, तो आप लोग कैसे पता करें कि आपका मतलब कि आपका जारी है हुआ कि नहीं होगा, फाइनल एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, आपका पूरा हम बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ पढ़ते हैं, बोल रहा है, देखिए लिख रहा है कि जिले के 45 हाई व प्लस 2 स्कूलों में वार्षिक परीक्षा 2022 का रजिस्ट्रेशन व परीक्षा फॉर्म भरने वाले करीब 701 छात्र छात्राओं के परीक्षा में शामिल होने पर संशय बना गया है, क्योंकि इनसे संबंधित स्कूलों द्वारा रजिस्ट्रेशन व परीक्षा फॉर्म भरने में गड़बड़ी की गई है, ठीक है। इसे गंभीरता से लेते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने चिन्हित स्कूलों को सूची जिला शिक्षा विभाग को भेजी है, साथ ही इन स्कूलों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। देखो जो गलती हुआ है कौन किए हैं, स्कूल वाले और अपने प्लस 2 कॉलेज वाले गलती किए हैं, गलती क्या की है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्कूल गलती का कि आप लोग का कि परीक्षा फॉर्म भरने में और एडमिशन भरने करने में गलती किया, गड़बड़ी किया है, जिसके वजह से ये सब मामला आया है। इतने विद्यार्थी 20,000 विद्यार्थी कम नहीं होंगे आपके, उतने विद्यार्थियों का लाइफ ही खराब हो जाएगा, 10 साल का मेहनत जितना ये थी हुआ है मेहनत किए हैं सब बर्बाद हो जाएगा उन लोगों का। तो ये ऐसे स्कूलों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जिला शिक्षा विभाग को भेजा है और वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए कहा है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जिला शिक्षा विभाग ने संबंधित स्कूलों से जवाब मांगा है, विभाग के वरीय अधिकारी मामले की समीक्षा जांच कर रहे हैं, बताया गया है कि कई छात्र ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और उनका फॉर्म भर दिया गया है। देखिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और फॉर्म भर दिया गया है, बताओ ये कैसा है, तो ये लोग किसका गलती है, बच्चे का गलती है कि स्कूल वालों की गलती है, स्कूल वाले गलती है, ठीक है। अब देखिए फिर बोल रहा है यहाँ पे कि सीधे परीक्षा फॉर्म भर दिया गया है, ऐसे में बोर्ड द्वारा संबंधित स्कूलों पर कार्रवाई की जा सकती है और छात्र छात्राओं को परीक्षा देने से वंचित भी किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद 45 हाई स्कूल और प्लस 2 स्कूलों के परिचय में हडकंप मचा हुआ है। ये जो 45 स्कूलों के बात बोल रहे हैं ये केवल मैं किसके के बारे में बात कर रहा हूँ, गोपालगंज के जिला के बात में कर रहा हूँ। आपके जिले में भी कई छात्र होंगे जिनका एडमिट कार्ड को ऐसा लग करके मामला आ रहा होगा। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे
साफ साफ देखिए यहाँ पे क्या किया गया, किया क्या गया है कि रजिस्ट्रेशन तो उनका हो गया है, कितने विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, लेकिन फॉर्म नहीं भरा गया है। और कुछ विद्यार्थी है जिनका ये तो हो गया, ये नहीं हुआ, यही नहीं हुआ, यही भर दिया गया है। तो ये गलती कौन कर रहे हैं? वो आपके स्कूल ना कर रहे हैं, उन लोगों का पता नहीं सब क्या क्या भर लिया है। इन लोगों कुछ आता होता, इन लोगों कुछ से मतलब नहीं, इन लोगों से मतलब है कि माल आ रहा है कि नहीं महीना महीना। बताओ गलती किस तरह हो गया भाई, गलती तुम कैसा कर दिया? और इस बच्चा लोगों का लाइफ का सवाल है। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि यहाँ रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है कुछ बच्चों का, उसके बदले देखिए रजिस्ट्रेशन हुआ हमारे नाम पर और फॉर्म भरा है किसी दूसरे के नाम पर, ये कैसा स्थिति है बताइए ना। देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन उसका हो गया है, उसके बदले किसी और का फॉर्म भरा गया है, बताओ। तो ये सब मामला है, इसको लेकर के बिहार विद्यालय प्रशासन समिति बोल रहा है कि जो जो स्कूल ने गलती किया है उन पर कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है। और जो बच्चा जो है ना उनको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। रे चोटा लो कहीं का, इसमें बच्चा का क्या गलती है? रे बच्चा के इसमें क्या गलती है? गलती तुम्हारे स्कूल वाले किया है, ये मास्टरवा सब किया है, इसको 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 कार्रवाई करो, इसको जाकर पकड़ो। इसमें बच्चा है क्या गलती है? बच्चा का लाइफ खराब होगा इससे। बच्चा आपका हर परीक्षा फॉर्म का पैसा दिया, रजिस्ट्रेशन का पैसा दिया, सब तो जमा कर दिया है। अब वही जो स्कूल वाले हैं वही पैसा नहीं भेजे हैं तुम्हारे पास, इसमें बच्चा तो कैसे गलती? कुछ नहीं गलती है, गलती स्कूल वाला है। ये पूरा बिहार के एजुकेशन सिस्टम को पूरा ख़त्म कर दिया है ये लोग, पूरा के पूरा। अब इसमें बताओ ना, इसे बच्चा है क्या प्रॉब्लम है? ऐसे बच्चा तो सब कुछ तो कर ही दिया है, फॉर्म भर दिया है, सब पैसा जमा कर दिया है। अब तुम्हारे स्कूल वाला ही तुमको पैसा नहीं दिया है, तो अब स्कूल वाला की गलती तो स्कूल वाला पर कार्रवाई करो। तो बच्चा को नहीं भेजेंगे, बच्चा को बाहर निकाल देंगे। क्या बाहर निकाल देंगे, क्या मतलब है इसका? अब बच्चा जाएगा तुम्हारे पटना जाएगा वहाँ पर पैसा जमा करने के लिए, तो वैसा ही करो कि भाई बच्चा ही भरेगा सब ऑनलाइन फॉर्म, सब कुछ वही काम करेगा, स्कूल से मतलब नहीं रहेगा, तो बच्चा को परीक्षा से बाहर निकाल देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बच्चा को बाहर निकालने का निकाल देंगे बाहर। गलती किया स्कूल वाला और उनका गलती हुआ किया, बच्चा सब भुगतेगा, अपना लाइफ बर्बाद करेगा। ये सब तो बात है, पूरा शिक्षा को पूरा ख़त्म कर दिया है यहाँ का। तो ये सब रहा बात यहाँ पर। अब देखिए आपसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई घड़ाइएगा नहीं, आपका सबका एडमिट कार्ड आएगा, सबका एग्जाम होगा, इसका आपका जितना भी स्टूडेंट का अथी हुआ है सबका आपका एडमिट कार्ड आएगा, सबका सुधार करेगा बिहार बोर्ड, ठीक है। ये हर साल ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन ये हर साल ही ऐसा होता है। और ये सब ये शिक्षा व्यवस्था है वो ख़त्म कर दिए हैं ये लोग। देखो अब बात करते हैं कि इसका बारे में, मॉडल पेपर के बारे में, कि मॉडल पेपर आपका कब तक आएगा। बिहार विद्यालय ने यहाँ पर मॉडल पेपर जारी करता है हर साल, तो अभी इस समय तक जारी हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों लेट है। तो हमको लग रहा है कि आपका जो होगा ना, आपके 10 दिन के अंदर क्या होगा, 10 दिन के अंदर यहाँ पर मॉडल पेपर जारी हो सकता है, ठीक है। और देखिए जो इस सेट आएगा ना, सभी विषय का 5-5-6 छोटा है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपके बहुत क्वेश्चन लड़ते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। एडमिट कार्ड के बारे में बात करें तो आपका एडमिट कार्ड का होगा आपके जो आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम होगा उसके आपके 5 दिन पहले या 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड को जारी कर दिया जाएगा। उसके लिए लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जा करके खुद से लोड कर लीजिएगा, और उसी से क्या होगा आपका, वहीं आपका फाइनल एडमिट कार्ड होगा, जिससे आपका फाइनल एग्जाम भी उसी से होगा आपका, ठीक है। तो ये आपका पूरा यहाँ पर हमको लग रहा है कि आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अभी भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय।